Finally, I sell out my first photo on Shutterstock. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमाद 946 एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे शटरस्टॉक की फर्स्ट सेल आउट कैसे हुई और कैसे मैंने अपनी फर्स्ट सेल आउट की। अब बहुत से लोग मुझे ये कह रहे थे कि जो आप वीडियो बना रहे हो शटरस्टॉक पे के इमेजेस सेल आउट करके आप कैसे कमा सकते हैं, तो आप फेक वीडियो बना रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने टॉन्ट किया, बट मैं अपने काम को करता रहा, मैंने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। और मेरी आज तो नहीं मतलब कि सितंबर पे जो मेरी फर्स्ट सेल आउट हुई है वो आपके साथ मैं शेयर करूं। और ये बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट अ फेक, आप काम करते रहेंगे तो आपकी सेल आउट ज़रूर होगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जस्ट 9 इमेजेस मेरी जो यहाँ पर अपलोड हुई हुई थी शटरस्टॉक पे, जिसमें से मेरी 2 सेल आउट हुई, एक 28 सब को हुई और एक 29 को हुई। उम्मीद है कि आपने मेरी वीडियो लाइक कर ली होगी, चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लिया होगा, क्योंकि मेरे चैनल पर इस तरह करने की काफ़ी सारी वीडियोज़ आती रहती हैं कि आप कैसे अर्न कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन घर बैठे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की तरफ। तो शटरस्टॉक के अकाउंट पे जाने से पहले शेयर कर देना चाहता हूँ कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो को बनाने से पहले वो मैं खुद करता हूँ, मतलब कि जो मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ आपके लिए वो पहले मैं खुद टेस्ट करता हूँ। खुद टेस्ट करने के बाद देन आपको मैं हर एक चीज़ बताता हूँ। ये नहीं कि मैंने YouTube पे सर्च किया, टॉपिक किया, पकड़ा और वीडियो बना दी, नहीं। अब YouTube पे ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिस पे आप कुछ भी बना सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी सारी ऐसी साइट्स या ऐसी चीज़ें नहीं है जो फॉरेन कंट्रीज में है। इस वजह से मैं वो टॉपिक लेके आता हूँ, वो टॉपिक लाने से पहले मैं ख़ुद उस चीज़ को सर्च करता हूँ, देन मैं आपको वीडियो के सूरत में देता हूँ। तो चलते हैं हम अपने शटरस्टॉक अकाउंट पे। तो वेलकम टू माय शटरस्टॉक प्रोफाइल। अब प्रोफाइल पे देखें तो मेरी ये अर्निंग्स, आपको ज़रा मैं जूम करके बता दूँ कि मेरी यहाँ पर अर्निंग हुई है और 2 इमेजेस की 23 सेंट्स आए हैं। अब ये फेक नहीं है, मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूँ कि कौन सी मेरी पिक्चर कहाँ पर सेल आउट हुई। अब यहाँ पर साइड पे आप देख सकते हैं कि एक जो मेरी इमेज जो कैट्स वाली है वो 13 सेंट्स की परचेज हुई और जो सेकंड है वो 10 सेंट्स की। अब यहाँ पर मुझे जगह भी बताई जा रही है कि पेरिस फ्रांस से ये इमेज परचेज की गई और दूसरी ग्रोनेम बेल्जियम से की गई। अब यहाँ पर डेट एंड टाइम भी मुझे सब कुछ, टाइम तो नहीं दिया जा रहा है, डेट दी जा रही है कि 9/29/2020 एंड 9/28/2020। एक 28 को सेल आउट हुई और एक 29 को सेल आउट हुई। अब मेरी इमेजेस आप यहाँ पर देखें तो अभी 11 हैं, बट जब ये 2 इमेजेस सेल आउट हुई तो तब मेरी इमेजेस जस्ट 9 थी। उसके बाद अब मैंने इस पर काम करना थोड़ा फास्ट कर दिया है क्योंकि मेरी अर्निंग यहाँ पर अब शुरू हो चुकी है और प्रोफाइल वगैरह मैंने अपनी 100% कंप्लीट कर ली है। आप यहाँ पर यू ऑल टॉप परफॉर्मर्स पे जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक टेबल शो हो जाएगा। मेरी ज़्यादा सेल आउट तो नहीं हुई, बट जो सेल आउट हुई है ये मेरे पास यहाँ पर शो हो रही हैं। विड्रॉ कैसे करेंगे मनी जब मेरे $35 हो जाएंगे, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएंगे क्योंकि मेरी सेल आउट यहाँ पर स्टार्टिंग, मेरी अर्निंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और मैं अपने काम को भी कुछ ज़्यादा लेवल पे लेके जा रहा हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर से अर्निंग शुरू हो गई है तो काम करने का एक जज्बा भी आ गया है कि मेरी यहाँ पर अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। इस वजह से अब मैं यहाँ पर काम को ज़रा फास्टली कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने अंडर रिव्यू 7 इमेजेस अपलोड कर दी हैं। अब ये रिसेंटली मैंने कल अपलोड की थी, जो कि 2 अपलोड मैंने की थी और 2 की 2 अप्रूव्ड हो चुकी हैं। अब मैं उन लोगों को कुछ कहना चाहूँगा जो हमेशा मुझे कहते रहते थे कि आप फेक वीडियो बनाते हैं, आपकी अर्निंग खुद नहीं होती, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। अब मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि कुछ करेंगे तो कुछ आएगा। और जो फेक का आप मुझे बोल रहे होते हैं कि फेक है, ये सब कुछ ये है वो है, आप जस्ट वीडियो के लिए करते हैं, मुझे आई डोंट थिंक कि आप कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं ये फेक नहीं है।
प्रूफ जो था फर्स्ट आपको प्रूफ मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको अपनी फर्दर वीडियोस के भी प्रूफ दिखाऊंगा कि जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो फेक नहीं है, आप उनसे अर्न कर सकते हैं। बस जस्ट आपको सीरियस होकर उस पर काम करना पड़ेगा, तब आप उस पर अर्निंग कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन मुझसे होता है कि आप खुद क्यों नहीं ये काम करते, तो मैं अपनी एक पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं हर जगह पे नहीं काम कर सकता। अब YouTube की जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ये रिकॉर्ड होती हैं, एडिटिंग करनी होती है, एडिटिंग करके अपलोड, टैग्स, टाइटल, थंबनेल, मतलब काफ़ी सारा मेरा टाइम यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है कि मुझे कुछ और करने का मौका नहीं मिलता। और जगह पर मैं जाके अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, मतलब कि और जगहों पर अर्निंग वेबसाइट्स पर जाके मैं एक न्यू चीज़ सीखने जा रहा हूँ, क्यों ना मैं अपनी उस चीज़ को बेहतर बनाऊँ जो कि मुझे आती है, जो कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, और जो आ रही है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और सिखा रहा हूँ मतलब कि कुछ आता है तभी सिखा रहा हूँ। तो ये थी आज की कुछ छोटी सी वीडियो, तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। उम्मीद है कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख ली होंगी जिसमें मैं अर्निंग्स का बता रहा हूँ कि आप कैसे घर बैठे कुछ घंटे काम करके अर्न कर सकते हैं। बट अर्न कर सकते हैं इसका मतलब कि आपने काम जो करना है वो दिल से करना है और डट के करना है, ये नहीं कि आपने कुछ टाइम काम किया, एक दिन किया, दो दिन किया, तीन दिन किया, देन आपने बोला कुछ भी नहीं हो रहा, देन छोड़ दिया। अब ये जो मेरी अर्निंग हुई है, ये अर्निंग भी इस तरह नहीं हुई कि दो तीन दिनों में हो गई, ये वन मंथ इसको मैंने समझा, सीखा, मैंने टैक्स पे काम किया कि आप कैसे अपनी फ़ोटो रैंक करेंगे। अब सब कुछ मैंने करने के बाद देन रिज़ल्ट आपके सामने है कि मेरी 2 फ़ोटो सेल आउट हुई। इस पर मैंने टाइम दिया, इसको मैंने टाइम दिया, इस पर टाइम लगाया, इसको समझा, देन मेरी यहाँ पर सेल आउट हुई। इस तरह आपको भी टाइम देना पड़ेगा जो भी आप काम कर रहे हैं, तभी आपको उस चीज़ में कामयाबी मिलेगी, नहीं तो आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। जस्ट बातें करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा, चाहे आज करें, कल करें, परसों करें या 10 साल बाद करें, आपको काम करना पड़ेगा। तो ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।